तो आज हम बताने वाले हैं बजाज सिटी बाइक का गियर कैसे असेंबल करते हैं। ये गियर है, देख सकते हैं, ये बजाज सिटी बाइक का गियर है। इसको गियर को कैसे लगाया जाता है, कहाँ लॉक लगता है, कहाँ वॉशर लगता है, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे, कहाँ पे क्या लगेगा सारी जानकारी देंगे। तो ये मेरा इनपुट शाफ्ट है, देख सकते हैं, ये क्लच असेंबल होता है इसमें, और मेरा इनपुट शाफ्ट है, इसको इनपुट शाफ्ट नाम से जाना जाता है। और मेरा आउटपुट शाफ्ट है, इसमें स्पॉकेट असेंबल होता है। तो सबसे पहले इनपुट की जानकारी देंगे आपको कि ये तो लगा रहता है, इनपुट शाफ्ट है, ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। ये जो पिनियन आती है ये गियर के साथ ही आती है, पूरा शाफ्ट में लगी रहती है जो पिनियन है। और उसके बाद ये गरारी लगा है, ये पिनियन, तो ये तो इसमें लगा रहता है, जब इंजन खोलेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये लॉक रहता है। तो आपको बता निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आप ख़राब हो तो आप निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके नीचे कोई वाशर नहीं है, बस एक लॉक लगा है, आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं लॉक को। तो इसलिए नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, ये देख सकते हैं कि ये पिनियन है, पिनियन के बाद ये पिनियन है, पिनियन के बाद एक लॉक है, देख सकते हैं लॉक। उसके नीचे कोई वाशर नहीं है, बस लॉक है। तो आप अच्छे तरह देख लिए, आप कंफर्म हो गए होंगे। उसके बाद ये मेरा पिनियन है, देख सकते हैं, ये 6 खूंटी है, 6 खूंटी ऊपर है, और ये 3 खूंटी है, और इधर देख सकते हैं किस तरह है। तो ये जो 6 खूंटी है वो अंदर की तरफ रहेगा, जो 3 खूंटी है बाहर की तरफ रहेगा, और इसमें 3 खूंटी है। तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, देख सकते हैं, तो ऐसे असेंबल करेंगे, प्रॉपर बैठ जाएगा, ये गियर काम करेगा पूरा। तो चलिए बैठा कर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 खूंटी है इधर, और 6 खूंटी बुनी है, इसको ऐसे लगा देंगे। तो 6 खूंटी है, देख सकते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से आपको दे रहे हैं, देखिए, लगा देंगे ऐसे। उसके ऊपर ये मेरा पिनियन आता है छोटा वाला, देख सकते हैं, ये इस प्रकार है इधर बाहर, और ये जो खूंटी है अंदर की तरफ करेंगे, ताकि उसमें फंसे और गियर काम करे। तो ये लग गया, अब गियर मेरा ऐसे सेलेक्ट करके लग जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से। और ये 3 पिनियन लगने के बाद ये वाशर है ऊपर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, वाशर लग जाएगा। बस मेरा इनपुट शाफ्ट असेंबल हो गया, बस इतना ही पिनियन लगता है इसमें। और मेरा आउटपुट शाफ्ट है, देख सकते हैं, स्पॉकेट लगता है, चेन स्पॉकेट। तो ये जो मेरा पिनियन है शाफ्ट के साथ पूरा असेंबल आता है, शाफ्ट के साथ ही रहता है, निकलने वाला नहीं है, जाम रहता है। उसके बाद देख सकते हैं ये तो जाम में निकलेगा नहीं। उसके बाद ये पिनियन है जो इधर से बराबर है, इधर से देख सकते हैं पिनियन, इसमें कोई ये जो गड्ढा है ऊपर की तरफ है, तो 6 होल दिया है, देख सकते हैं। और ये लॉक है, ये जो लॉक है नीचे, इधर तो कुछ भी नहीं है, बस उसी तरह पिनियन को लगाया गया है, और बस इधर लॉक लगा है ऊपर। नज़दीक से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ये लॉक लगा है। उसके बाद मेरा ये पिनियन आएगा, देख सकते हैं, इधर इधर 3 खूंटी है, इधर भी 3 खूंटी है। तो आप देख सकते हैं ये जो निकला है, और इसमें गड्ढा है, तो देख सकते हैं इसमें गड्ढा है, और ये मेरा निकला है। तो इसको इसी में बैठाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से गड्ढे में बैठ जाए। तो ऐसे लगाएंगे पूरा, देखिए परफेक्ट मेरा बैठ गया आकर, पूरा बाकायदे से और परफेक्ट मेरा बैठ। ऐसे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, देखिए ऐसे लगाएंगे तो पूरा बैठ जाएगा, और काम भी करेगा प्रॉपर तरीके से। तो उसके बाद ये मेरा ये बूस लगा लेंगे इस पर छोटा सा, देखिए ये बूस है। उसके बाद ये वाला पिन है, ये बड़ा वाला पिन है, एक तरफ बराबर है, एक तरफ गड्ढा है, गड्ढे वाले को अंदर रखेंगे, और घिसा हुआ भी है, देख सकते हैं, और ये बाहर रखेंगे और अंदर,
जो गड्ढा अंदर रखेंगे और इसे लगा देंगे, तो मेरा गियर यहाँ से वर्क कर लेगा। तो देख सकते हैं मेरा आउटपुट शाफ्ट भी असेंबल हो गया है, यहाँ कोई वाशर नहीं रहेगा, यहाँ ऐसे है। तो देख सकते हैं ये मेरा पूरा फिटिंग हो गया। तो चलिए चेंबर में लगाकर भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो नीचे वाशर है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे पकड़ लेंगे और इस पॉकेट साइड चेंबर में बैठाएंगे। तो यहाँ पे वाशर है, ध्यान देंगे और उसके बाद इसको इसे पकड़ेंगे और ऐसे चेंबर में लगा देंगे। इस पॉकेट साइड चेंबर है, तो ये बैठ गया प्रॉपर तरीके से। नचा के देख लेंगे पूरा, पूरा नचना चाहिए अच्छे से। उसके बाद सेलेक्टर है, छोटा वाला सेलेक्टर इधर लगेगा इनपुट शाफ्ट में, छोटा भी है और ये खूंटी इधर है, तो इसका जो ज़्यादा उभरा है वो ऊपर रहेगा, तो छोटा वाला इसमें लगेगा इनपुट शाफ्ट में और ये बड़ा वाला आउटपुट शाफ्ट में। तो देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ है नीचे रहेगा इसका, तो इसको ऐसे लगाएंगे। तो ये भी लग गया, अब गियर गुल्ला है मेरा, ये गियर बहुत लोग गियर गुल्ला है, बहुत लोग गियर सेलेक्टर भी बोल देते हैं। तो गियर गुल्ला को लगाएंगे, ये लग नहीं रहा, ये पिनियन को निकाल कर और अच्छे से बैठा लेंगे। तो ये सेलेक्टरों को देख लेंगे और अच्छे से लगाएंगे। ये सेलेक्टर की जो पिने हैं गियर गुल्ला में फंसा देंगे। उसके बाद ये पिन है, ये पिन है, पिनों को लगा देंगे, दोनों बराबर है, चाहे आप जिधर लगा सकते हैं जो हो। तो एक इधर लगा देते हैं और एक उधर लगा देते हैं। ये लग गया, ये वाला पिन लगाएंगे। ये वाला भी मेरा लग गया। इसके बाद ये इसको लगा देंगे, ये बूस है इसमें। तो ये गियर गुल्ला को उठाकर उसमें फंसा कर लगाएंगे। देखिए लग गया है, ये बूस लगा देंगे ऊपर से गियर गुल्ला को और ये पिनियन को साथ में लगाना पड़ा। देख सकते हैं ये पूरा लग गया है असेंबल। ऐसे ही गियर को लगाएंगे, पिनियन को ऐसे ही बैठाएंगे और लगाकर चेक कर लेंगे गियर को लग रहा है कि नहीं, तो पूरी देखेंगे। और चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न उठे मन में तो कमेंट भी कर लीजिए। चलिए तो देख सकते हैं, नचा नचा कर देख लेंगे, गियर लगा कर देख लेंगे। हम गियर लगा कर आपको नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बाद में आपको दिखा देंगे, समय नहीं है मेरे पास।